गणपति बप्पा मोरिया। अब चले सर, चलो चलो। एक मिनट, सॉरी, प्लीज। सर्जरी दो दिन बाद होगी, आज नहीं। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? क्या हुआ राजू? पापा आपका जो ऑपरेशन होना है ना, वो अब दो दिन बाद होगा। लेकिन ऐसा क्यों? वो क्या है ना, हमारे एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि दो दिन के लिए ग्रह दशा, हाँ ग्रह दशा बहुत खराब है, तो इसलिए। क्या ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? क्या बात है सिस्टर? देखिए ना सर, ये लोग ऑपरेशन को दो दिन टालना चाहते हैं क्योंकि इनके एस्ट्रोलॉजर ने मना किया है। ऐसी अजीब बातें कर रहे हैं आप लोग? हाँ, एनाथीसिस्ट आ चुका है, ऑपरेशन थिएटर बुक हो चुका है, और आप है कि लेकिन प्लीज सब कैंसिल कर दीजिए आप। जो भी पेनल्टी होगी ना, मैं भर दूंगा। हाँ, लेकिन सर्जरी हमें दो दिनों के बाद ही करनी पड़ेगी। प्लस हमारे एस्ट्रोलॉजर ने ये भी कहा है कि आज के आज ही आप अपने पिताजी को सिद्धिविनायक ले जाइए, बापा के दर्शन करो। आई बिलीव दिस, इतने पढ़े लिखे होकर आप इन बातों में विश्वास रखते हैं? हाँ हम बिल्कुल विश्वास रखते हैं। इनफैक्ट हमारे एस्ट्रोलॉजर ने ये भी कहा कि हमने जो डॉक्टर चुना है ना, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत सही डॉक्टर है। आप हमारे एस्ट्रोलॉजर से मिलेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ इनफैक्ट आइए कभी मिलने उनसे। हाँ, हाँ। अभी हमें ले जाने दीजिए, पापा को सिद्धिविनायक ले जाना। हाँ तो ले जाए। ऑपरेशन के सारे पैसे तो हमने एडवांस में भर दिया ना, तो आएंगे तो जरूर वापिस यहाँ। ठीक है, आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ दो दिन बाद पक्का करेंगे सर्जरी। चलिए पापा। बेटा डॉक्टर मल्होत्रा के चैम्बर में तो तूने कहा कि हम सिद्धि विनायक मंदिर लेके जा रहे हैं, पर तू यहाँ कहाँ लेके आया है? एग्जैक्टली, डॉक्टर मल्होत्रा को यही लगना चाहिए कि हम सिद्धि विनायक मंदिर गए हैं। एक बार आपके एंजियोग्राफी की सही रिपोर्ट सामने आ जाएगी, उसके बाद उस मल्होत्रा को भी देख लेंगे। हाँ बिल्कुल देख लेंगे, और इसीलिए हम लोग आपको यहाँ CMD हॉस्पिटल लेके आए। ये यहाँ का बेस्ट हॉस्पिटल है। नहीं, वो उस रिकॉर्डिंग में नर्स ने जो कुछ बोला, लगता है कि मेरी आर्टरी ब्लॉक्ड है ही नहीं, और मुझे ऑपरेशन की कोई जरूरत ही नहीं पड़े। बिल्कुल पापा, आपको ऑपरेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे हर्षद भाई, एंजियोग्राफी की अपॉइंटमेंट मिल गई। ये डॉक्टर रेडी है, बस पेशेंट का इंतजार हो रहा है। पेशेंट क्या कौन है, मैं बिल्कुल भला चंगा हूँ। और देखना रिपोर्ट भी भली चंगी ही आएगी, है ना बंधु? पिछले 5 दिनों में पहली बार पापा आपको इतना कॉन्फिडेंट देख रहा हूं। उम्मीद बेटा, उम्मीद, उम्मीद बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। बच्चों को गुब्बारा और डूबते को सहारा काफी काफी होता है। चलिए चलिए आइए बाबा। अथर्वा, अथर्वा कहाँ चला गया? अथर्वा जान आपने दी है भगवान जी, जान बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। प्लीज दादाजी की रक्षा करना। अथर्व, भगवान जी ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। मम्मा और डैडी दादाजी को दूसरे हॉस्पिटल लेके गए हैं फ्रेश चेकअप करवाने। तो दादाजी को ऑपरेशन नहीं होगा? दादाजी का ऑपरेशन? क्या हुआ उन्हें? क्या बात क्या कर रहे हो तुम लोग? दादी कुछ नहीं मैम। सखी तुझे मेरी कसम है, पता मुझे क्या हुआ है? अरे वो खंडाला गए थे, अब अस्पताल की बात कहाँ से आ गई? दादी आप शांत हो जाइए, मैं सब समझाती हूँ। मैं कुछ समझा नहीं चाहती, मुझे बताओ अस्पताल गए या खंडाला गए? दादी आप शांत हो जाओ, हॉस्पिटल। मैडम हो गया रिपोर्ट।
डॉक्टर उसने बोला कि एंजियोग्राफी हो गई है और रिपोर्ट थोड़ी देर में मिल जाएगी। भगवान करे पापा के रिपोर्ट से नॉर्मल आए। सखी कॉल कर रही है, उठा लो, वो लोग भी परेशान होंगे। हाँ बोलो सखी। चाचू। मम्मी। मम्मी? तेरे पापा को तू अस्पताल लेके गया, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई तूने? मम्मी मम्मी देखिए प्लीज आप रोइए मत, पापा बिल्कुल ठीक है। मुझे तेरी बात पे यकीन नहीं है, बिल्कुल यकीन नहीं है। मुझे अभी के अभी पापा से बात करनी है। मम्मी पापा के वो टेस्ट चल रहे हैं। झूठ बोल रहा है तू, झूठ बोल रहा है। नहीं मम्मी मैं क्या छुपा रहा हूँ मुझसे? बताओ मुझे कौन से अस्पताल में मुझे अभी के अभी तेरे पापा से मिलना है, निकल रही हूँ मैं अभी घर से। मम्मी मम्मी प्लीज आप घर पे रुकिए, मैं आता हूँ आपको पिकअप कर। मैंने कहा ना मैं नहीं रुकने वाली हूँ, मैं निकल रही हूँ, बताओ कहाँ आना है मुझे। मम्मी मम्मी आप वहीं रुकिए, मैं तुरंत निकल रहा हूँ। आप मुझे सोसाइटी गेट पर मिलिए आधे घंटे में, ठीक है? मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको पापा से मिलवाने हॉस्पिटल लेकर आऊँ। ओके प्लीज काम डाउन काम डाउन। वंदु बेटा। हाँ पापा। राधिका पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। पापा माँ को ये बात जिस तरह से पता चली है, जाहिर है ना कि थोड़ी अपसेट होंगी, गुस्सा भी आ रहा होगा, पता नहीं कितने सवाल होंगे उनके मन में। तो ऐसे में कुछ सुनाए तो सुन लीजिएगा। मैं तो हमेशा सुनता ही रहता हूँ बेटा, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। राधिका देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ देख रही हूँ, अब बिल्कुल ठीक हो, देख रही हूँ मैं। राधिका दुखी मत हो ना, देखो मैंने तुमसे झूठ इसलिए बोला था कि तुम्हें मतलब समझे 50 साल पहले जब शादी की थी ना, तो अग्नि को साक्षी मानकर आपने वचन दिया था मुझे कि आप मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे, दिया था ना? दिया था। नहीं जब मैंने क्यों बोला झूठ, इसलिए कि मुझे डर था कि कहीं तुम्हें कोई सदमा ना लग जाए मेरी बीमारी का, इसलिए मुझे माफ कर दो दादी का, मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ करूंगी रे, एक वादा कीजिए मुझे। आप मुझसे पहले आप नहीं जाएंगे, दीजिए वचन कि मैं आपसे पहले जाऊंगी, सुहागन जाऊंगी मैं, दीजिए वचन। Excuse me. आप सभी के लिए एक गुड न्यूज है, इससे पहले वाला जो रिपोर्ट था वो फर्जी था। मतलब श्रीनिवास जी को ब्लॉकेज तो है पर मामूली सा, करीब 20%। इसका मतलब पापा को सर्जरी की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं, बस थोड़ी सी दवाइयां और परहेज से आसानी से इसे संभाला जा सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू। देखो देखा माँ, हाँ आपके शुभ कदम हॉस्पिटल में पड़े नहीं कि पापा बिल्कुल ठीक हो गया। बंधु मोबाइल चला मेरा।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.